सो गाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लीज़ ये सेशन. ये सेशन उसके लिए नहीं है कि आई हैव बॉट अ मसाला क्लास एंड यू हैव टू ज्वाइन, 100% नहीं. जैसे मैं बार बार कर रही थी कि एक अवेयरनेस क्रिएट करना, व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय दीज मसालास, ये मसाला क्या इतना ज़रूरी है कि हमको प्लीज़ आना ही चाहिए घर पे, हमको पता ही चलना चाहिए कि कैसे बनाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह. इस बहुत बड़ा ये सेशन है, ठीक है. मैं कोशिश करूंगी कि आज जितना बता सकूं उतना मैं आपको बताऊं, नहीं तो ये सेशन 2 डेज का रहेगा. जैसे आज मैं आई हूँ, आज हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे और कल करेंगे, ताकि आपके मन में जो डाउट्स है, आप भी ओवरथिंक करना कि मैंने क्या क्या बोला. आप मेरी वीडियो को रात को सुनना, और फिर से है ना, मैंने जैसे आपको पिछली बार बोला था कि ये 2 दिन या 1 दिन जो भी मैं ले रही हूँ सेशन, आप इस वीडियो को किसी जानकार के पास लेके जाना और उनको बोलना कि इन मैडम ने ये बातें बोली हैं, तो क्या हम इस क्लास को ज्वाइन करें, क्या ये रिलेवेंट चीज़ें हैं, और फिर हम लोग इस क्लास के बारे में देखेंगे. तो मुझे कोई गड़बड़ नहीं है ये क्लास देने की, कुछ नहीं. ग्रुप तो मैंने 100% बना लिया है, ग्रुप तो मैंने 100% बना लिया है, बट आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो. आशीष ने पिन भी किया है, बट आप ये पूरा सेशन सुनने के बाद डिसीजन लोगे कि आपको मेरे साथ मसाले सीखना है या नहीं सीखना है. लाइव मैं उसके लिए ही आती हूँ कि सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करूँ. सपोज आपने पहले सीखे हुए हैं, बिकॉज हम लोगों ने क्या किया था, हमारी मम्मी बनाती थी, नानी और दादी बनाते थे, हमने देखा है कि ये गर्मी के दिन आए तो हम सबके घर में मसाले बनते हैं. फिर जब मैं सीख रही थी तब बुक्स थी, ठीक है, तो हमने बहुत सारा तल्लाल दलाल पढ़ा हुआ है, हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई हैं कि जहाँ पे मुझे पता चले आई गेट अ नॉलेज अबाउट मेकिंग मसालास. तब आपका इंटेंशन और कुछ नहीं था जब आप मसालास पढ़ रहे थे, या आपने जब मसाला सीखा तो आपका इंटेंशन क्या था कि मैं वो जो पैकेट बाहर का लाती हूँ, बिकॉज अभी आया ना ये स्मॉल पैकिंग्स अभी आई, बट पहले क्या था कि बड़े मसाले मिलते थे और जब मैं लाऊंगी तो बहुत जल्दी बाहर के ख़राब हो जाते हैं, या बाहर के क्या बोलते हैं ना, ख़त्म हो जाते, ठीक है. तो क्यों ना वही चीज़ मैं घर पे बनाऊँ. और तब आपने और मैंने शुरू किया मसाला बनाना, ठीक है. तो ऐसे है कि आपने और मैंने बहुत बार सीखा हुआ है, बहुत कुछ किया हुआ है. हम लोगों ने सिर्फ क्या किया, ऐसे जब हम क्लासेस ले रहे हैं ये 21 साल से, तो हम लोगों ने क्या किया, मैंने और आशीष ने इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास सीखा, और वो भी सीखने का एक रीज़न था. आगे वो रीज़न बताती हूँ कि हमने उनके पास क्यों सीखा, और वही चीज़ मैं फिर सिखा रही हूँ. पर मैं ऑनलाइन ये मसाले का क्लास लाई नहीं थी, आप भी जानते हो मैं एक एक क्लास आराम से ला रही हूँ, ठीक है. तो इस बार मैं इसको ऑनलाइन लाई. अब थोड़ी सी बात करते हैं मसाले की. अभी तक मैंने आपके कोई कमेंट्स नहीं पढ़े, कोई डाउट्स नहीं देखा है, थोड़ी सी बात मसालों की स्टार्ट करते हैं. उसमेरा जी पूरा बताती हूँ, पहले आप लोग देख लो, क्लास के पीछे मत लगो. क्या पता शायद आपको मसाला बनाना आता है तो आपको मेरे क्लास की ज़रूरत ही नहीं है. सो आप इतनी घाई गड़बड़ मत करिए क्लास की. आज सिर्फ वो कोशिश करिए कि आप जब सुन रहे हो, अगर आपके आई डोंट नो योर एज, बट अगर आपके भाई को भी एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है, बिकॉज सोचिए इतना उपवास होते हुए भी आप यहाँ पे हो, ये हिम्मत ही लगती है. तो अगर आपके भाई को स्टार्ट करना है, आपके फ्रेंड को स्टार्ट करना है, किसी को भी घर में एक नया प्रोफेशन स्टार्ट करना है, नया बिजनेस स्टार्ट करना है, बिकॉज आज भी बड़े बड़े प्लेयर्स जो है ना वो सिर्फ 50-55% है. आज भी आपके लिए 30-35% जगह मार्केट में खाली है जहाँ पे आप आपके मसाले ला सकते हो, जहाँ पे आप लोगों को टेस्ट दे सकते हो, बिकॉज मसाले के बिना आपकी और मेरी ज़िंदगी अधूरी है, ठीक है. जैसे चरणप्रीत जी ने पूछा, मैं वही बोल रही हूँ, अगर ये क्वेरी मुझे आई होती तो मैं 100% बोलती थी कि मैं क्वेरी के लिए अगर आज प्राइस होता तो इनको देती थी, ठीक है. तो आइए हम लोग बात करते हैं क्लास की फीस के बारे में. आप नहीं करोगे, आप मुझे कुछ भी नहीं पूछोगे, अभी आपके दिमाग में सिर्फ एक है कि इस बिजनेस को अगर मैं करती हूँ तो क्या मुझे इसका नॉलेज है, या फिर अगर मैं मेरे घर के लिए अभी बनाने वाली हूँ गरम मसाला, काला मसाला, जो भी मैं बनाने वाली हूँ, तो क्या मुझे इस बारे में नॉलेज है कि ये चीज़ें ऐसे यूज़ करते हैं. इसलिए सेशन मैक्सिमम 2 दिन का होने वाला है. आप अगर मुझे बोलोगे तो मैं 10 दिन का भी लेक्चर दे सकती हूँ, इतना बढ़िया सेशन है, ठीक है. बट यस, आज और कल में अपन इसको कंप्लीट करेंगे, अपन कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे. ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है आप सबको, ठीक है. अभी एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि आपको
ठीक है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे एग्जाम्पल देती हूँ। आइए हम लोग बोर्ड पे आते हैं, आइए मसालों के बारे में बात करते हैं। जैसे रेणु जी ने मुझे पूछा, वैसे ही हम लोग इससे ही स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले जब हम लोग एक ध्यान रखिए, ये मसाला कहाँ से आया, मसाला आने का रीज़न क्या था। बिकॉज हम लोग तो पहले आदि मानव थे, राइट। तो जब हम लोग कच्ची सब्जियाँ खाते थे तो अगर उसमें कोई कॉम्बिनेशन आ जाता है फ्लेवर का, तब हमको बहुत अच्छा लगता था। और शायद इसीलिए मसाले आए। मसाले से या आपने और मैंने नहीं बनाए 100%, ये आपने और मैंने मसाले कोई भी नहीं बनाया। जो भी ये दिया है वो नेचर ने दिया। नेचर को मालूम था कि अगर मैं जैसे कि स्वीट पोटैटो है, ठीक है, इसको उबाल के खाऊंगी ना, या पहले के लोग कच्चे खाते होंगे और बाद में हम उबाल के खाते थे, या कोई भी एक चीज अगर मैं कच्ची खाऊंगी ना या उबाल के खाऊंगी, कैसे भी खाऊंगी, तो ये डाइजेशन के लिए बहुत तकलीफ होएगा। तो फिर क्या चालू किया, उसके ऊपर अदरक डाल के या फिर काला नमक डाल के हमने खाना चालू किया, ठीक है। और ये चीज़ें क्या कर रही थी, ये हमको सूत कर रही थी, यह हमारा डाइजेशन ठीक कर रहे थे। तो ये स्वीट पोटैटो खाने से हेवीनेस नहीं आ रहा था। तो आपने और मैंने मसाले नहीं बनाए, मसाले किसने बनाए, मसाले नेचर ने आपको दिए। और भारत में, भारत का जो क्लाइमेट था, इंडिया में आपको भी मालूम है कि जूने जमाने में हम लोग यही तो काम करते थे। जो ब्रिटिशर्स आए थे, बिकॉज ऐसे बोला जाता है इंडिया या साउथ एशियन कंट्रीज, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मसाले बनते, फिर वो लवंग हो, काली मिरी हो, तेज पत्ता हो, या इतनी सारी चीज़ें हैं कि अभी आशीष गया था वहाँ पे, क्या बोलते हैं वो, ईशा योग गया था आशीष, तो वहाँ कोयम्बटूर से वो लेके आया कुछ अलग ही मसाला है। बोले आरती तुम इतना सा डालो मसाला, हाँ होल बात कर रही हो, उसको क्या बोलते हो, नाम नहीं है, अपने याद नहीं आ रहा है। तो उसके कॉफी को इसमें डाल दूध की, इसमें नाम भी नहीं। अगर आप उसको लेते हो तो आपको कभी भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स नहीं होते। तो इतने सारे मसाले हैं, खाली अपने को जायपत्री मालूम है, अपने को तेज पत्ता मालूम है, ये इतने सारे छुपे हुए मसाले हैं कि जिनका आपको और मुझे अभी तक नॉलेज ही नहीं है। तो पहली बात जो इस क्लास को मैं स्टार्ट करूंगी, तब मैं यही स्टार्ट करूंगी कि दिख रहा है ना लाइट चमक रही, कौन सी मेरे इसमें, सार्डो इज अ वेरी गुड थिंग मैम, यस प्रीति जी, वेरी गुड क्वेश्चन। चरणप्रीत जी के बाद आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और रेणु जी का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैं इनको एक साइड में लिख के रखने वाली हूँ जिन्होंने इतने अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं। बस तब तक आप लोग शेयर करते रहिए ताकि ये नॉलेज बहुत लोगों तक पहुँचे। ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपको, प्लीज़ डू शेयर, क्लास के लालच में ही नहीं, नॉलेज शेयर करने के लिए प्लीज़ इसको शेयर करिए, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ मसालास जो आपका क्वेश्चन है, आप बोलोगे आरती इसमें क्या है, हमारे यहाँ पे जो बेस्ट दुकान है हम लोग वहाँ पे जाते हैं, हम लोग ले लेते हैं 100% वैसा ही करना चाहिए। बट सिलेक्शन ऑफ मसाला इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है, एक सिंपल चीज़ देती हूँ मैं आपको, जीरा, ठीक है। शाह जीरा क्यों नहीं बोलती हूँ कि ये तो काफ़ी बार अच्छा ही आता है। जीरा आप कैसे लेते हो, आप इसकी खुशबू से लेते हो, ठीक है, आप इसको स्मेल करते हो और इस स्मेल से आप ले लेते हो कि हाँ जीरा बहुत अच्छा है। कभी कभी मतलब जो लोग गुजरात में ले रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो राजस्थान में ले रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर मैं इधर नासिक में ले रही हूँ या आप पंजाब में ले रहे हो तो 100% प्रॉब्लम है। बिकॉज स्मेल से खाली आप कुछ नहीं कर सकते हो। जीरा का जो, जैसे बासमती का बहुत अच्छा इसेंस मिलता है, जीरा का भी मिलता है, बट आपको मालूम है जीरा कितनी बार ये मिलावट किया जाता है। तो इसमें क्या मिलावट किया जाता है जीरा में, किसी को कुछ मालूम है जीरा में मिलावट क्या होती है? प्लीज़ देखती हूँ मैं कितने लोगों को मालूम है, क्या पता उसके लिए भी नेक्स्ट क्लास बहुत अच्छा है। जो यंग जनरेशन को बहुत पसंद आता है वो नेक्स्ट क्लास है, तो क्या पता नेक्स्ट क्लास में गिफ्ट कर दूं उनको। प्लीज़ मुझे बताइए आपको मालूम है क्या, इसको सेशन को ऐसे ही रखिए, नहीं गूगल बाबा भी यूज़ किया तो भी चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मुझे आंसर चाहिए, मुझे चाहिए कि सेशन बहुत अच्छा मिक्स हो। ओके, आई वुड डू इन हिंदी, श्योर। शालिनी जी थैंक यू, मुनीरा जी अपनी उपास का ध्यान रखिए। आप मुझे बताओगे, हिंदी में लिख तो नहीं पाऊंगी बहुत अच्छे से, बट एक मैं आपको खाली जितना हो सकेगा उतना वो बोलती हूँ। खुशबू और कलर नहीं चारू जी,
आप कलर से और खुशबू से कभी नहीं बता सकते हो कि ये जीरा प्योर है। आपको मालूम भी नहीं है उसमें क्या मिलावट होती है। जैसे काली मिरी का सबको मालूम है, ठीक है ना, आपका मैं स्मेल बोल सकती हूँ, आप बराबर बोल रहे हो, मैं टेस्ट बोल सकती हूँ, ठीक है। और क्या बोलते हैं ना, जैसे काली मिरी है, काली मिरी में सबको मालूम है कि पपई के भी डाले जाते हैं। एक ने बोला सौंफ, ये इधर है ना, मेरे इस पे बार बार पीछे जाना पड़ रहा है। दूसरा फोन पे देख तो कमेंट देख सकते हैं क्या। झाड़ू का फूल, आप बहुत नजदीक हो वीना जी, सौंफ नहीं है, सौंफ नहीं है, बहुत नजदीक है वीना जी, बहुत नजदीक है। और कुछ आप मुझे बता सकते हो, थोड़ा सा कुछ और? काला जीरा नहीं, और कुछ? अच्छा सीमा जी, ये तो बहुत हेल्दी ऑप्शन है, अगर उसमें सुआ मिक्स हुआ होगा तो वो खाने के लिए बहुत हेल्दी है। कुछ और? ठीक है, तुम मुझे कमेंट देना, मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा। देखिए आपको मैं बताती हूँ कि जो घास होता है ना, घास, घास के ऊपर जो बी होता है वो सेम जीरा जैसे दिखता है और इसको मिक्स किया जाता है। आप पहचान भी नहीं पाओगे कि उस जीरा में भी घास का बी है, जो हम लोग घास को क्या ग्रास बोलते हैं ना, हम लोग मराठी में गवत बोलते हैं, हिंदी में घास बोलते हैं, उस घास के ऊपर का जो बी होता है वो जीरा में मिक्स किया जाता है। तो मैं इसको हेल्दी बोलूँ, नेचुरल बोलूँ या अनहेल्दी बोलूँ, वो आपने डिसीजन लेना है। बट दिस इज वन ऑफ द मेन थिंग कि जीरा में वो डाला जाता है। इसलिए जब भी मैं जीरा लूंगी तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास में दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि मैं पानी लूँ, उस पर जीरा डालूँ, जो अच्छा जीरा है वो नीचे सेटल हो जाएगा, जो नहीं है वो फ्लोट करेगा, ठीक है। और फिर कहीं तो भी मैं उसको चूर के, फिर उसका मसाला देख के या उसको टेस्ट करके, बिकॉज जो जीरा डालते हैं ना, ये मिक्स करते हैं, ये टेस्टलेस होता है, इसको टेस्ट ही नहीं होता है। या फिर एक और अच्छी चीज़ है कि जहाँ पे ना लाइनिंग्स, अपने जीरे पे लाइंस होती हैं और उस जीरे पे लाइंस नहीं होती है, कुदरत ने भी ये फर्क रखा हुआ है, नेचर ने भी ये काम कर दिया है आपके साथ, ठीक है। यस प्रीति जी, एकदम बराबर थे आप, जंगली घास के बीच 100% प्रीति जी आप राइट हो, ठीक है। प्रतिपा दाई, मी सांगते कि मसाल्याचं जेव्हा सिलेक्शन करतो ना, मी हा मसाल्याचा क्लास आणलाय आणि मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस मसाले के क्लास को आप ज्वाइन करो नहीं करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैंने ये क्लास इसलिए लाया है या आज का दो दिन का सेशन कर रही हूँ कि आपको अवेयरनेस आए कि मसाले क्या होते हैं। आपने अपनी दादी माँ नानी माँ से कहीं से सीखे होंगे तो आप उनमें ये नॉलेज को ऐड कर दो, उसके लिए ये दो दिन का अवेयरनेस है। तो हमने सबसे पहले बात कर रहे हैं हम सिलेक्शन ऑफ मसालास, ठीक है। वेरी गुड रुचिता ताई, खूब छान प्रश्न विचारला। अभी सब जन अच्छे अच्छे नहीं नहीं वो खरच, और आप ऐसे क्वेश्चंस पूछोगे ना मुझे बहुत मजा आएगा, बिकॉज हम पूरे इंडियंस का पूरा पूरा बेस मसाला है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारे पूर्वज ने इतना अच्छे से इसको बनाया ना, और फिर मैं दूंगी सेकेंड ये कि हमारा गवर्नमेंट, हमारे गवर्नमेंट ने इतना अच्छा किया, इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया और भी बहुत अच्छे मसाले क्रिएट किए, बहुत अच्छे प्रपोर्शंस तैयार किए, ठीक है। तो मैं एक 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 बोलती जाती हूँ, हम लोग ये दो दिन का सेशन है तो फिर क्या होगा, दो दिन में आपको काफ़ी पता चल जाएगा। ताई मैं मिर्ची वर यही नहीं, मैं तुम्हारा एक्सप्लेन करें कि तुमचा रंग का जातो आणि बाहर वाल्यांचा रंग का जात नाही, ठीक है, ऐसे ही होता है। अब मैं नेक्स्ट बात करूंगी आपके साथ में, जब आप सिलेक्शन ऑफ मसाला कर रहे हो, आपको मालूम है क्या हर रेसिपी में आप कौन सा धना यूज करते हो? चलो, जब मैं सीखी नहीं थी, मैं और आशीष इसको सीखे नहीं थे, तब हम क्या करते थे, बाजार में जाते थे, अखे धने लेके आते थे जो हमको बहुत फ्रेश दिख रहे हैं, और हम उससे मसाला बनाते थे। अब आपको मालूम है क्या मसाला बनाते वक्त कौन से धने यूज करते हैं? चलो, भले आप गूगल करो नहीं करो, आप मुझे बताइए कि आपको नॉलेज है कि धना कौन सा यूज करते हैं। होल कोरिएंडर सीड्स जब मैं बोल रही हूँ तो इन कौन से कोरिएंडर सीड्स यूज किए जाते हैं, बिकॉज हर मसाले का बेस ये है,
लिविंग पंजाब, पंजाब के लोग इसको कम यूज करते हैं बिकॉज उसका भी रीजन है, मैं वो भी बताती हूँ आपको। देसी गावरन, देसी इंदौरी, बारीक, सो नाइस, वेरी गुड वेरी गुड। साबुत, साबुत पक्का चरणप्रीत जी, पर कौन सा? देसी, वेरी गुड वेरी गुड। अब मेरे साथ प्रॉब्लम देखिए क्या है। अच्छा ठीक है, चलो छोटे दाने का ग्रीन, ठीक है हिना जी, ठीक है दृष्टि, ठीक है गाउटी हिरवे, वेरी गुड। जितना मुझे कभी लाइव में क्या बोलते हैं ना, ऑफलाइन में मजा नहीं आया उतना मुझे ऑनलाइन में आ रहा है, पता है? या ऑफलाइन में तो इतना एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते भी नहीं है बेचारे, जो बोला सुन के, हाँ जो बोला है वो सुनते और चले जाएंगे। पर आप लोग वेरी गुड वेरी गुड, ज्योति वेरी गुड, फक्त दणा माहिता है, वेरी गुड प्रतिभा ताई, हा एकदम मस्त आंसर होता, माहिती आहे न्यूट्रल राहायचं, मारती बरोबर सांगेन त्यावेळेस आपण हे करू, वेरी गुड दिनेश। देखिए मुझे दो आंसर्स अभी तक आपकी तरफ से मिले हैं, वन इज गावटी, ठीक है सो गावटी देसी, ठीक है। दूसरा आंसर मेरे को मिला है इंदौरी, ठीक है। तीसरा आंसर मिला है बारीक वाला। अब इनके अलग अलग प्रॉब्लम्स है ना, मीन्स इस सेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ, या मैंने मसाले का क्लास ऑनलाइन क्यों लाया ये बताती हूँ। अगर मैं देसी यूज करूंगी तो उस मसाले में कोई रंगत ही नहीं आएगी, इतना मरियल दिखेगा ये मसाला बिकॉज इसमें कोई कलर ही नहीं होता है, ठीक है, तो बिल्कुल भी नहीं होता है और टेस्ट भी उतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। अगर मैं इंदौरी यूज करती हूँ तो इसमें कलर तो इतना अच्छा है पर बिल्कुल भी टेस्टलेस है। फ्रेश फ्रेश लाया और आज मसाला बनाया, दो महीने तक स्मेल रहेगी, तीसरे महीने में स्मेल चली गई। जबकि मसाला अगर मैं बनाती हूँ या मुझे सेल करना है तो एक साल तो टिके, अगर मेरे को सेल करना है तो उसकी शेल्फ लाइफ तो चाहिए। बारीक वाला यूज करूंगी तो मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। तो क्या ये तीनों में से अभी कौन सा कंपनी वाला यूज करता होगा? अगर बड़ी कंपनी है और उसको कॉस्ट भी चाहिए, उसको टेस्ट भी चाहिए, कलर भी चाहिए, नो यू कांट मिक्स जिग्ना जी, यू कांट मिक्स एवरीथिंग, इट वुड गिव यू अ न्यू कॉम्बिनेशन। तो जब तक आप लोग मसाले बना रहे थे तो क्या आपने सोचा था कि ये सब मिक्स करना है या इनमें से कुछ भी लेना है तो मैं क्या लूँगी, किसका प्रपोर्शन क्या लूँगी, किसका प्रपोर्शन क्या लूँगी और किसका प्रपोर्शन क्या लूँगी, तब जाके एक अच्छा मसाला बनेगा। तो आज जब आप शाम को बैठोगे तो इस बारे में ज़रूर सोचना कि इसको हम लोग कैसे करते हैं। ना ही अश्विनी ताई, अपन ऐसा करूँ सकत नहीं, हम लोग ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं कर सकते कि मेरे यहाँ पे देसी मिलता है ना तो मैं देसी से पूरा मसाला बना लूँ, फिर मेरे एक मसाले में कोई ब्राइटनेस नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। और हाँ, आप अगर रेडी मसाला यूज़ कर रहे हो तो प्लीज़ करो, प्लीज़ करो, उन्होंने ये सब ध्यान रखा हुआ है तो वो आप कर सकते हो। इंदौरी यूज़ कर रहे हो तो उसका टेस्ट कितना दिन तक रहेगा, बिकॉज धना ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है मेरे मसालों में, ठीक है। तो जब तक आप रेडीमेड नहीं कर रहे हो और घर कर रहे हो, खाली घर पर करने का फ़ायदा क्या होता है, I'll tell सोनाली जी, वेट, एवू नथी उषा जी, एवू काईक नथी, ए बधू सीखीने आव्यू छे, बिकॉज आप कोई भी किताब खोलो तो ये नॉलेज नहीं है, मैंने भी सीखा है और मेरे को भी मेरे टीचर ने ये नॉलेज दिया है, तब जाके मैंने आपको ये नॉलेज इम्पार्ट किया, सो दिस इज नथिंग अबाउट दैट। वेरी गुड दृष्टि जी, ये चलना रखते रहिए, आप अपना ये जो चलना है ये करते रहिए। प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या, मैंने एक रील भी बनाया था कांदा लहसुन चटनी का, अगर मैं बाहर से लाती हूँ तो शायद वो मुझे 500 रुपए किलो पड़ती है, मुझे भी याद नहीं वो कितने की है, एक नॉर्मल बोलती हूँ, जिसके बिना मेरी मिसल अधूरी है, जिसके बिना कोई भी तीखी भाजी अधूरी है, महाराष्ट्र में रह के, हाँ। और वही अगर मैं घर पर बनाती हूँ तो मैक्सिमम मुझे
300 रुपए लगते हैं और उसमें भी 1.5 किलो बन जाता है, शायद इससे कम ही लगे, बट मैं एक अंदाज आपको बता रही हूँ कि ये है कि बाहर से लाऊंगी तो कौन से क्वालिटी का मसाला है, कौन सी उसका क्या बोलते हैं ना उसमें प्रिजर्वेटिव है नहीं है, कितना मसाला है उसका मुझे कुछ मालूम नहीं, यहाँ पे मुझे सब कुछ मालूम है, मुझे कौन सी क्वालिटी का है मसाला वो भी मालूम है, कितनी क्वांटिटी का है वो भी मालूम है, और मेरे घर को मैं एकदम सेफ लेके जा रही हूँ, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मैंने आपको ऑप्शन दिया है कि आप प्रिजर्वेटिव कैसे डालोगे, बट मैंने किसी भी रेसिपी में प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किया, बाजार में 100% प्रिजर्वेटिव मिलते हैं तभी बाहर के मसाले को जल्दी कीड़ा नहीं लगता है और हमारे मसाले को लगता है, बट यस मैंने आपको वो ऑप्शन दिया है कि आप ये कैसे बनाते हो। हीना जी मैं बॉम्बे तो क्या बोलते हैं ना हीना जी मैं बॉम्बे से हूँ और आजू बाजू सब गुजराती और कोकण के ही लोग हैं, सो ये पार्ट है कि हमने यहाँ पे पूरे क्लास में जो भी हमने करना है दैट इज सिलेक्शन ऑफ मसालास, हमको सिलेक्शन करते वक्त पता रहना चाहिए कि कितनी वैरायटी है और कितने टाइप से। आप बोलोगे आरती ये बहुत बोरिंग काम है, नहीं मैंने आपको बहुत ईजी कर दिया है, बट येस नॉलेज तो आपको 100% मुझे देना ही देना है, अगर मैं नॉलेज नहीं दूंगी और आप कोई भी मसाला ले लोगे तो कोई मीन्स कोई फायदा नहीं होगा उस मसाले को बनाने में, ठीक है, आप खुद बाहर जाके देखोगे कि ये जो जायफल है यस ये प्रॉपर है और ये जो खोबरा है अभी नॉर्मल खोबरा है, चलिए अपन ये बात करते हैं, सो नाइस, अभी ये जो कोकोनट है आप मुझे बताओगे एक कोकोनट आता है ब्राउन वाला, देखो सूखा नारियल जो होता है ना जिसको हम कीस के मसाले में डालते हैं, तो एक बाहर से ब्राउन है और एक ब्लैक है, अब सपोज मैं कोई भी मसाला बना रही हूं तो मैंने कौन सा यूज करना चाहिए, सगळं सांगणार ताई सगळं सांगणार, प्रतिभादे असं आता आपण फक्त सुरुवात केली आहे, तुम्ही शेअर करा बघा स्टार्ट शेअरिंग, मी सगळं सांगणार आहे ताई, ठीक आहे ब्लॅक वाला यूज करते, ओके ओके ज्योती जी क्यों करते बताओ, ठीक है काया पाठीचा, ठीक है बाहेरच्या मिरची पावडर मसाल्यामध्ये फूड कलर यूज करतात वो थोडंसं पण टाकतात तरी ब्राइट कलर येतं, एव्हरेस्ट काश्मीरी व्हेरी गुड टाइप ब्राउन ब्राउन, थैंक यू प्रीति जी थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस लाइव, इसलिए तो मैं बोल रही थी कि आप लोग शेयर करो ये नॉलेज सबके पास जाएगा, ठीक है हम लोग हमेशा यूज करते हैं वो ब्राउन, क्यों ब्लैक मतलब क्या, जब नारियल बनाया जाता है तो उसको आंच पे बहुत सेकते हैं, ठीक है अगर आपने ब्राउन वाला लिया तो आपका मसाला अंदर जाके जब रिएक्ट होगा आप उसको जब सेकोगे तब और ज्यादा आपका मसाले का कलर डार्किश आएगा, जबकि जब मैं बाजार से लाती हूँ तो वो लाइटिश होता है, इसलिए हम लोग यूज करते हैं ब्राउन वाला, ठीक है सो यहाँ पे हम लोग जो कर रहे हैं कि हमने ये सेशन हमने ये क्लास क्यों लिया है दैट इज आपको वैरायटी पता चलेगा, टाइप पता चलेगा सिलेक्शन करते वक्त, और क्या बोलते ना उसका आरोमा और उसका बेनिफिट, 100% चाय के मसाले के अपने बेनिफिट है, दूध के मसाले के अपने बेनिफिट है, पर रसम मसाला का भी अपना एक बेनिफिट है, या सांबर मसाला मैं ऐसे तो नहीं कर सकती हूँ ना पाव भाजी में मैं सांबर डालू और सांबर में पाव भाजी डालू, और इसीलिए हम लोगों का एक सेशन होता है, हम लोगों का एक क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट है जहाँ पे ये लोग कंटिन्यूस रिसर्च करते हैं और फिर रेसिपीज बनाते हैं, जब रेसिपीज क्यूरेट करते हैं तब वो लोग ध्यान देते हैं कि इतनी पाव भाजी में जब ये मसाला जाएगा तो ये मसाला क्या टेस्ट देगा, और वो खाने के बाद बिकॉज पाव भाजी इज अ मिक्सचर ऑफ वेजिटेबल्स तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे रोल करने वाला है वो ध्यान रखते हुए मसाले की रेसिपी बनाई है, और इसीलिए मैंने ये इनके पास सीखा ताकि मुझे पता चले कि मेरे पेट पे, हम लोग नहीं बोलते हमने आज छोले भटूरे खाए और बहुत हैवी हो गया, या हमने कोई चीज सोड़े की खाई और हैवी हो गया, वो इसलिए हुआ कि आपको पता चलना चाहिए उसमें कौन से मसाले थे और जिसने आपको हैवीनेस दिया, बिकॉज
बहुत सारे गुण बोलते हैं ना, ये लू भी एक मिनट नहीं फिर मैं गुड मॉर्निंग शिखा जी तो देखो ना एक मिनट दो मिनट इसमें देखो देता हूँ धने कॉम्बिनेशन मध्ये वापरायची आहे ती सिलेक्शन ऑफ मसाले में आप ये ध्यान रखोगे, उसके बाद ध्यान रखो जब मसाला है ना, भगवान ने इतना अच्छा बनाया है, नेचर ने इतना अच्छा बनाया है इसको, कि जो मसाले का जो गुण है उस गुण में ही भगवान ने उस मसाले को बनाया। आपको और मुझे कुछ चेंजेस करने की जरूरत ही नहीं है, बराबर उसके गुण के हिसाब से उसका स्ट्रक्चर है, और ये जो स्ट्रक्चर है उसी स्ट्रक्चर से उसका डेप्थ, उसका रिचनेस आता है। अगर आप क्लाइमेट भी देखो, जैसे पंचपूरन यूज किया जाता है कलकत्ता में, मतलब आप बंगाल जाओगे तो वो लोग हर चीज का छो पंचपूरन से लगाते, तो वो कलौंजी, वो दाना मेथी, वो वहां पे उस चीज को, उस खुशबू को बहुत अलग कर देते। एक नॉर्मल चीज है कि अगर आप आलू की सब्जी बना रहे हो और आप अगर कलकत्ता देखोगे तो वहां पे पहले तेज पत्ते में आलू को भूनते हैं और फिर मसाला डालते हैं, तो ये तेज पत्ता अपना खुद का काम करके जाता है, अपना खुद का डेप्थ देता है, अपना खुद का रिचनेस देता है, अपना खुद का फ्लेवर देता है। तो ईच एंड एवरी मसाला आपको और मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है, नेचर ने उसके स्ट्रक्चर के साथ काम किया, ठीक है। और हर मसाला एक डिफरेंट टेस्ट देता है, कोई भी हो, खाली लवंग होगा, खाली काली मिर्च होगा, तो उसका खुद का अपना टेस्ट है, और वो आपके भाजी को, आपकी स्नैक्स को, आपके जो भी चीजें आप बना रहे हो उसको एक अलग अरे कमेंट्स पढ़ रही थी। कलौंजीला कांदेचे बी म्हणतात मैजिक मसाला, मैजिक मसाला आप खुद ही बना लोगे। आपको मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, आपको बोल रही हूँ ये मार्केट 35% आपके लिए खाली पड़ा है, ये मार्केट 35% खाली पड़ा हुआ है। हर घर में आपको मसाला लगता है, ऐसा कोई भी घर नहीं है जो सुबह से लेकर रात तक मसाला यूज नहीं करते हैं। कोई भी चीज बनाओ उस अरोमा के लिए, उस खुशबू के लिए आपको वो मसाला चाहिए, ठीक है। बिकॉज मसाला कैसे चेंज हो जाता है, सादी मिसाल बनाई तो एक मसाला, दूध की मिसाल बनाई तो एक मसाला, कोल्हापुरी बनाई एक मसाला, बारबेक्यू बनाई तो एक मसाला, उसके बाद में मालवणी बनाई तो एक मसाला, अभी इसमें तो बहुत सारे टाइप्स बाकी है, इन सब को एक 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 मसाला लगता है। तो अगर आप इसका छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हो, और बिजनेस भी मत करो, आप दिवाली पे लोगों को गिफ्ट्स भेजते हो, आप एक एक पैकेट ये बना के भेज दोगे भी तो बंदा बहुत खुश हो जाएगा, वो लेडीज बोलेगी सही में कुछ तो यूजफुल भेजा आपने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो मसाला आपको समझ गया कि मसाले की वैरायटी होती है, उसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब कोई भी अगर आप मसाला बनाते हो तो इस मसाला पूरा डिपेंड करता है कि आपने कौन से क्वालिटी का मसाला यूज किया। तो अगर आपको थोड़ी भी ये पहचान नहीं आ गई, आपको पता चल गया कि मैं जब दालचीनी खाती हूँ तो दालचीनी सबसे अच्छी या तो श्रीलंका से आएगी या तो वियतनाम से आएगी, बिकॉज प्लेन वाली जो दालचीनी है वो दालचीनी है ही नहीं। आप सबको भी मालूम है, और मेरे ख्याल से ये गूगल पे रोज चलता है, एक वीडियो आप रोज देखते हो कि ये दालचीनी सही नहीं है। दालचीनी वो अच्छी है जो पतली है और रोल्स में है, ठीक है। और दालचीनी को भगवान ने कैसे बनाया कि आप दालचीनी रोज सुबह आप लो, आपका एसिडिटी गायब, आपका ब्लड क्लॉटिंग गायब, तो जूने से जूना एसिडिटी का प्रॉब्लम हो और जूनी चीजें हो वो इससे गायब हो गया। अभी मेरे ख्याल से अपने सेशन में भी कि तीन की चार डॉक्टर्स हैं, yes, because tejpatta is always not tejpatta what you bring, it's not a bay leaf, there are so many leaves those are mixed with it, बस इन्हीं चीजों के कारण। तो मैंने ये क्लास में ऐसे नहीं कि आपको ये मसाला ले लो, ये ऐसे से बना लो, भून लो और हो गया, नहीं मैं कर ही नहीं सकती हूँ। सो ये जो आपको पूरे क्लास में मैं सिखा रही हूँ, पूरे क्लास में जो भी मैं आपको ये सिखा रही हूँ, यहाँ पे कोई भी रेसिपी मेरी खुद की बनाई हुई नहीं है, मैं इसमें क्लियर होना चाहती हूँ। ये रेसिपीज जो मैंने गवर्नमेंट से सीखी है, जो FDA के रूल्स में बैठती हैं, वही रेसिपीज आपको है।
ठीक है। उसके बाद सबसे मेन आपको मैंने जो सिखाना है वो है रोस्टिंग, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं जब गरम मसाला बनाते हैं, तो बेसिकली आप लोग कैसे रोस्ट करते हो, अगर उसमें 10 मसाले हैं तो आप कैसे रोस्ट करते हो मुझे बताइए। चलिए आप लोग ये मसाले, अगर 10 मसाला है गरम मसाला बनाते वक्त, तो आप इसको कैसे भूनते हो? कोई बिजनेस नहीं करना है, कुछ नहीं, घर के लिए बनाना है, पर आप कैसे भूनते हो मुझे बताइए। ड्राई रोस्ट इंडिविजुअली टिल वॉर्म, वेरी गुड, वन बाय वन, वेरी गुड। नहीं नहीं रेनु जी, आती हूँ मैं उस बारे में भी आती हूँ, आप चिंता मत करिए, क्वेश्चन ध्यान रखिए, मैं आती हूँ। ड्राई रोस्ट और समथिंग एल्स सेपरेटली, साइली ओके, साइली ओके। मैं भी आपके जैसे ही करती थी, जैसे आपने बोला, और अगर मैं ऐसे पकड़ती हूँ कि मैं रोस्टिंग करती हूँ अलग अलग, ठीक है। आप लोग सबसे ज्यादा मेरे को आंसर क्या है, सेपरेट, ठीक है। अगर मैं 10 मसालों को अलग अलग रोस्ट करती हूँ तो फिर क्या होगा, उतना ही मेरा टाइम जाएगा, जो मैं जब प्राइसिंग करते हैं मसाले की तो इसको भी कंसीडर किया जाता है, उतना ही मेरा गैस जाएगा, ठीक है। और टाइम जाएगा, गैस जाएगा और मसाले का फ्लेवर भी जाएगा। बिकॉज अगर लवंग को खाली आपकी भाषा में बात करती हूँ मैं अभी, टेम्परेचर, चलो टेम्परेचर में ही मेरे को समझाना इजी होगा। अगर ये जो है लवंग है या जीरा है, इनको सिर्फ 10 डिग्रीज का टेम्परेचर चाहिए। इन रियलिटी देखो, बेलीफ है ना, तेज पत्ता, ऐसे बात करती हूँ, इसको सिर्फ 30 डिग्रीज चाहिए, ठीक है। इसका टेम्परेचर भूनने का क्या है, 30 डिग्रीज, और साइंटिफिक जाना ही पड़ता है अपने को, अगर अपने को उसमें से गुण चाहिए जिसके लिए आप हम सब स्ट्रगल करते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स वगैरह वगैरह करते हैं, तो बे लीफ का टेम्परेचर सिर्फ 30 डिग्रीज है, ठीक है। और मैंने जो कढ़ाई थी उसमें पहले मैंने खोबरा सेका हुआ है, उसको मैंने निकाल लिया था, उसमें मैंने कुछ और सेका हुआ है, और उस कढ़ाई का टेम्परेचर ही अभी 80 डिग्रीज है, उसमें मैं तेज पत्ता डालती हूँ, फिर गैस को ऑन करती हूँ और वो जाता है 120। तो ये जो तेज पत्ता आपको गुण देने वाला था, क्या अब वो देगा मसाले में? फिर आप क्या बोलोगे, मैंने ना ABCD कंपनी का मसाला लाया था, वो इतना अच्छा था, थोड़ा सा डाला और बहुत अच्छा बन गया, और घर पे भी आपने ट्राई किया पर वो तो हुआ ही नहीं। स्टार्टिंग के 2 बार तो आपकी पाव भाजी बहुत अच्छी बनी, 3री बार नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? बिकॉज आपने उसको जहां पे उसकी जरूरत सिर्फ 30 की थी, आपने सेका 80। तो आप बोलोगे आरती क्या ये इतना टाइम कंज्यूमिंग है कि मैं हर एक की डिग्रीज देखती रहूं और फिर हर एक सेकू? नहीं, हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स बनाई हुई है कि जिससे आप मसाला सेक लो और आपका टाइम का भी बचत होएगा, गैस भी होएगा, बिकॉज गैस को प्राइसिंग में बहुत ज्यादा महत्व है मसाले के। रोस्टिंग ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस गैस का काम है, नॉट ओनली रोस्टिंग, दो चीजें, ठीक है। नहीं, आपको थर्मामीटर नहीं चाहिए इस क्लास के लिए, मैं एक आपको अंदाज बता रही हूं कि आप कहां गलत हो रहे थे। इस क्लास के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मसाले चाहिए और गैस चाहिए। बट मैंने आपको क्यों बताया कि हम कहां गलती करते हैं, हम रोस्टिंग में गलती करते हैं। हमको आज तक मालूम ही नहीं है, किसी ने बोला सिर्फ गरम करो हम कर लेते, किसी ने बोला काला मसाला बनाना है दैट शुड बी ब्लैकिश इन कलर, हमने मसाले को काफी देर तक भूना, फिर किसी ने बोला, बिकॉज मसाले में 2 होता है, देखा ना, इसलिए मैंने बोला था ये 2 दिन का सेशन होगा, मुझे मालूम है 1 दिन में हम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरा क्लास करते वक्त आपको कुछ नहीं चाहिए, मसाला ही चाहिए, बट मेरे पास में नॉलेज चाहिए कि जो मैं कर रही हूँ और जो स्टाइल मैंने यूज किए वो सही है या गलत। सबसे पहले जब मैं मसाला रोस्ट करती हूँ तो आई शुड नो कि मैं कौन सा वेसल यूज करूंगी, ठीक है। उसके बाद जब मैं रोस्ट करूंगी तो मुझे टेम्परेचर मालूम होना चाहिए और मुझे उसका सही तरीका मालूम होना चाहिए, ट्रिक मालूम होनी चाहिए। मैं कभी ऐसे नहीं कर सकती
एक कढ़ाई में मेरी मर्जी जो चाहिए वो कढ़ाई मैंने घर की नॉनस्टिक ले ली, स्टील की ले ली, एल्यूमिनियम ले ली, फास्ट गैस पे गर्म किया, फिर उसको स्लो किया, मसाले डाले और उसको भूनती रही। बिकॉज मसाले बनाते वक्त कितना आपको स्टर करना है ये भी एक नॉलेज है। आप कंटिन्यू स्टर करोगे तो कोई मसाला अच्छा नहीं बनेगा, आपको पता चल जाना चाहिए कि कब स्टर करते हैं और कब नहीं करते। और मैं इसलिए बार बार इस सेशन में क्या बोल रही हूँ कि आप मेरा नॉलेज, मेरा ये वीडियो किसी को भी बताओ, आई एम कॉन्फिडेंट, इसके आगे कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इसके आगे कुछ मीन्स कुछ भी नहीं है, आपको पता रहना चाहिए कि कहाँ पे मुझे एंड करना है, इतना मेरा स्टरिंग होना चाहिए और ये मसाला मेरा बन गया, ये सिर्फ आपको पता चलना चाहिए। तो ये बातें होती है आज के बाद जब आप अपना घर का मसाला रोस्ट करोगे। आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत एक्साइट हो गई थी, बट आप जब अपने घर का मसाला बनाओगे तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि मेरा वेसल प्रॉपर चाहिए। आपकी जो टीचर है जिनसे आपने सीखा है, वो आपकी मम्मी हो सकती है, दादी हो सकती है, सास हो सकती है, उनको पूछिए कि मैं इसको कैसे बनाऊँ, कैसे भूनूँ, कब मुझे पता चलेगा कि ये मसाला हो गया है, कब इसका कलर काला चाहिए, कब इसका कलर लाल चाहिए और कब इसका कलर नहीं चाहिए, ये सब पूछिए और फिर आगे से मसाले रोस्ट करना। ये कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, बहुत छोटा सा है, बट यस, इस क्लास में मैंने आपको इसकी जानकारी दी है, ठीक है। प्लीज़ 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 जिनको भी इसको ज्वाइन करना है, ये क्लास तो मैं थर्सडे दूंगी, आप सिर्फ इस ग्रुप को ज्वाइन करोगे, कोई पेमेंट्स नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, आप सिर्फ इसके डिटेल्स लेने के लिए, सिर्फ आपको आशीष ने पिन किया है वो ग्रुप आप ज्वाइन करोगे, बाकी कुछ भी नहीं करना। और ग्रुप उन्होंने ही ज्वाइन करना जिनको ये सब सीखना है। प्लीज सब लोग ग्रुप ज्वाइन मत करना, फालतू आपका मोबाइल और ज़्यादा ये हो जाएगा, ठीक है। अब जब मैं रोस्ट कर लेती हूँ तो मेरा नेक्स्ट प्रोसीजर आता है, दैट इज ग्राइंडिंग ऑफ मसाला। ठीक है, जब मैं ग्राइंडिंग ऑफ मसाला बोलती हूँ तो क्या मुझे, मैं क्या करती हूँ, जब मेरा मसाला ल्यूक वॉर्म है तब मैं पीस लेती हूँ, जब मसाला पूरा ड्राई हो गया तब पीसती हूँ। अगर इस मसाले को मैं सेल करना स्टार्ट करती हूँ तो कौन सा वाला मसाला है या कौन सा वाला प्रोसेस है जो बहुत ज़्यादा सेलेबल है, जिसको बहुत डिमांड है, कोल्ड ग्राइंडिंग या हॉट ग्राइंडिंग? एक्सपोर्ट होने के लिए, बिकॉज अगर मैं मसाला बनाना चालू करूंगी, मुझे आज भी मालूम है कि अगर मेरी बाजूली सिर्फ 1 किलो छोले मसाला देगी तो उसको 10 किलो के ऑर्डर आना ही आना है। सही में करती है मेरी नेबर, बट उसको 10 किलो का ऑर्डर आना ही आना है। क्यों आना है? बिकॉज वो डालने से छोले इतने अच्छे बनते हैं या पनीर टिक्का इतना अच्छा बनता है कि वो कोई भी मसाला की सब्जी बना रही है, भरवा मसाला जो बोलते हैं, वो इतना अच्छा बन रहा है कि आपको डिमांड आना ही आना है। और ये बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इसीलिए तो पहले 20 रुपये का भी मसाला आता था, आज 2 रुपये का भी आ गया, 5 रुपये का भी पाउच आ गया। तो इसके बारे में कल बात करूँगी मैं, पैकिंग के बारे में, बट आज मैं आपको बोल रही हूँ कि ये बातें बहुत इम्पॉर्टेंट है। 100% शालिनी जी, बिकॉज आप लोग दुबई रहते हैं तो आपको मालूम है सबसे ज़्यादा इसकी, बहुत ज़्यादा हाईएस्ट एक्सपोर्ट है इसका, हाईएस्ट मींस हाईएस्ट, कोल्ड ग्राइंडिंग को हाईएस्ट डिमांड है। कोल्ड ग्राइंडिंग मतलब वो नहीं होता है कि आपने ना मसाला ठंडा किया और पीसा। आपको मालूम है कोल्ड ग्राइंडिंग मतलब क्या होता है? किसी को मालूम है तो प्लीज मुझे बोलो, क्या पता मैं उनको अच्छा डिस्काउंट कर सकूं इस क्लास में। कोल्ड ग्राइंडिंग का मतलब क्या होता है मुझे बताइए। कोल्ड ग्राइंडिंग का मतलब क्या होता है? थैंक यू उषा जी, प्लीज बताइए कोल्ड ग्राइंडिंग का मतलब क्या होता है। आई एम वेटिंग, अच्छा मुझे इसमें ना बार बार पीछे जाना पड़ रहा है।
नहीं मालूम, सिलबट्टे पर पीसना, सो नाइस कूल टेम्परेचर विदाउट रोस्टिंग, और कुछ अच्छा? चरणप्रीत जी आपको देखो क्लास चाहिए नेक्स्ट वाला, कुछ और अच्छा? व्हाट डू यू मीन बाय कोल्ड ग्राइंडिंग? सी हम लोग ये सब बातों के बारे में सोचते ही नहीं है, वी ब्लाइंडली टेक अ क्लास एंड वी स्टार्ट मेकिंग इट. इट माइट बी अ फ्री ऑफ क्लास, इट माइट बी अ पेड क्लास, इट माइट बी फ्रॉम योर टीचर, फ्रॉम एनी बुक, बट हम लोग क्या करते हैं, एक रेसिपी लेते हैं और उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं. जबकि मैं हमेशा बिलीव करती हूँ रेसिपी के पीछे मत दौड़िए, उसके पीछे के साइंस के पीछे जाइए. वेरी गुड. और कुछ? एट टाइम ऑफ ग्राइंडिंग, यस रुचिता ताई एकदम राइट. अजून त्याला चांगल्या रीते सांगता तुम्ही, म्हणजे मी कुठेतरी तुम्हाला पकडू शकते या क्लाससाठी. अजून काहीतरी चांगलं सांगता, इसको और थोडं एक्सप्लेन करू ना रुचिता ताई. एकदम सही. और कोई एक्सप्लेन कर सकता है? सन राइट, ओके आरती जी. देखो पर अगर मुझे 20 किलो की है, अगर आरती जी क्या बोलते हैं ना, ऑर्डर है 20 किलो की, तो मैं तो खलबत्ते में नहीं कूट सकती हूँ और मुझे वो फाइन मसाला मिलेगा ही नहीं. क्यों पता है क्या, जब मैं मसाला सेल करना स्टार्ट करती हूँ ना, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, घट को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अपन तो घट ही बोलते हैं. क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्या बोलते हैं जो रेसिड्यू बचता है ना, उसको भी डिमांड है. बिक्री में तो अपन मॉइस्चर लॉस बोलते हैं. नहीं, रेसिड्यू. यहाँ पे जो रेसिड्यू बचता है ना, उसको भी बहुत डिमांड है मसाले की. और ये अपने को कम से कम चाहिए, पूरा पीसने के बाद, छानने के बाद मैक्सिमम 2 ग्राम आना चाहिए. ज्यादा आ गया ना तो अपना ये वेस्टेज है. ठीक है, यस 100% अश्विनी ताई तुम्ही राइट है. वीना जी आप भी बराबर हो, हुस्नरा जी आप भी हो, और वैशाली जी और अश्विनी जी एकदम परफेक्ट है. 100% जो आपने बोला वो एकदम बराबर. एक होता है हम लोग बाहर जाके उसे मशीन से पिसवा के लेके आ जाते हैं, पहले बड़े बड़े आते हैं, अभी भी आपको फूड में देखता हूँ वीडियो मिलता रहेगा. और सेकंड होता है कांडप यंत्र. कांडप, हाँ कांडप. आपको मालूम है मसाले का मार्केट जैसे जैसे बढ़ा ना, पहले सिर्फ ये 2 इसका आता था, 2 बीटर्स आते थे, अभी 8 बीटर्स आने लग गए, 8 बीटर्स इसमें. 100% आप लोग राइट हो. अगर आप मेरे दी हुई रेसिपी को कांडप यंत्र से करते हो और आप सेल करते हो, आपका 100 किलो मसाला महीने का ऐसे ही बिकेगा, ये मेरी गारंटी है. इतना सिंपल है कांडप यंत्र से कुछ भी बनाना. लकड़ी के कांडप्स होते हैं और उनसे ये कूटा जाता है जैसे कि आप हाथ से कूट रहे हो, कोई लॉस नहीं होता है. और इसको बोलते हैं कोल्ड ग्राइंडिंग. यहाँ पे ना हीट जनरेट होती है मशीन में, तो इसलिए हम लोग मिक्सर में 1-1.5 किलो तक पीस सकते हैं. पर हमारे ऑर्डर्स बढ़ते हैं तो हमारा मिक्सर जो है वो इतनी मदद नहीं करता है जब कांडप यंत्र मदद करता है. बाहर वाली मशीन भी गर्म होती है, जब आप मशीन से पिसवाते हो ना तो वो भी गर्म होता है, बट ये नहीं होता. इसमें एंड तक मसाला आपका एकदम सॉफ्ट है, कोई टेम्परेचर नहीं बढ़ा है, अंदर कोई मॉइस्चर नहीं आया, कुछ नहीं आया. ठीक है, 100% ईयरीज आप लोग राइट हो. यस बड़ी लकड़ी के साथ करते हैं, वही वही उसना राजा. सही में आप लोग अपना ध्यान रखें, आप लोगों के उपास है, जोश में जाओगे और मेरे आंसर्स कर रहे हो. सुरेखा जी कांडप यंत्र इन द सेंस एक मशीन होती है और वहां पे पहले सिर्फ 2 लकड़ी लगी रहती थी, अब 8-8 लगती है. आप लोग अगर इसको गूगल करोगे तो भी मिल जाएगा, इसको कांडप यंत्र ही बोलते हैं. और है ना ऐसे कि जैसे आप खुद हाथ से कूट रहे हो ऐसे इसमें कूटा जाता है. और इसमें मेन मसाले के साथ में क्या बोलते हैं ना, कोई रिएक्शंस नहीं होते. नहीं तो मशीन में मसाला गर्म हो जाता है और अलग रिएक्ट करता है, यहाँ पर रिएक्शंस नहीं होते. ठीक है, और आज के डेट का लास्ट क्वेश्चन. हाँ फिर अपन कल बहुत सारे मसालों के गुण के बारे में बात करेंगे, अगर मैं कल लाइव आई तो. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का, देखते इसका आंसर कौन राइट देता है. जो जो राइट दे रहे हैं आंसर, प्लीज आप लोग डिस्काउंट्स के लिए हो. हाँ ध्यान रखना. नेक्स्ट आपका, आप मसाला कितना रोस्ट करते हो, चलो मुझे ये बताइए. आप मसाले कितना रोस्ट करते हो, आज का लास्ट क्वेश्चन.
गायत्री जी नहीं देखा राजा, मेरे इसमें ना बार बार पीछे जाना पड़ रहा है। पल्वराइजर जिगना जी, इस क्लास में मैंने सब किया है, आपको तो बिजनेस करना है, तो क्लास करते वक्त मैंने पल्वराइजर का सब नॉलेज दिया, आप टेंशन मत लीजिए, कौन से कंपनी का लेने का, कितने वॉट्स का लेने का, सब कुछ बताया, तो आप उसका टेंशन मत लो, आप एक फिक्स मेंबर हो उस क्लास के लिए, मुझे मालूम है, तो मैंने उसमें सब दिया है राजा। ये तो मैं लाइव ले रही हूँ आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए, इसलिए यहाँ पे मैंने पल्वराइजर की बात नहीं की है, ठीक है। शिखा जी मैं क्या करती हूँ, आशीष को बोलती हूँ गूगल से ना पोस्ट कर देगा एफबी पे। रोस्ट ऑन स्लो फ्लेम अरोमा आने तक 80%। सुरेखा जी वेरी गुड, फक्त थोड़ा गरम करून घेणे, थोड़ा गरम होने तक, वेरी गुड। और कोई? सुरेखा जी बहुत नजदीक है इसके, सुरेखा जी बहुत नजदीक है, हाथ धरता आलं पाहिजे एवढं गरम करणे। मंजूताई तुम्हाला तर हे काम माहीत पाहिजे, कारण तुम्ही इतक्या सुंदर काम करताय आणि इतक्या लोकांना परत शिकवताय, तर हा आन्सर नाही आहे ताई। भाजताना सुगंध येऊसपर्यंत, मॉइश्चर निघून जाऊसपर्यंत, बाय टचिंग इट शुड बी वॉर्म, ओके। तो अभी तक सुरेखा जी के नजदीक कोई पहुंचा नहीं है। गायत्री जी आप भी बहुत नजदीक हो, बहुत नजदीक हो, ठीक है। सो इसी क्वेश्चन के साथ में आज मैं स्टॉप कर रही हूं कि कहां तक रोस्ट करना है, कल जब चालू करूंगी तो इसी के साथ चालू करूंगी कि आपको मसाला कितना रोस्ट करना है, ठीक है। तब तक आप गूगल करिए और फिर मैं कल आपसे बात करती हूँ, कारण मेरी आधी किताब पढ़ी है अभी तक आपसे बात करने की। तो हम लोग कल मिलेंगे इसी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हुए कि हाथ से रोस्ट करके टच करते हैं, ऑयल ऑफ मसाला शुड नॉट रिलीज मॉइस्चर निकलने तक, स्मेल आने तक, ठीक है। इसी क्वेश्चन के साथ मैं आपको कल मिलूंगी सेम टाइम पे 98%। 2% अगर कोई मुश्किल आई तो नहीं मिल पाऊंगी, अदरवाइज इसी के साथ कल मिलते हैं सेम टाइम, ठीक है। और इसका आगे डिस्कशन करते हैं, तब तक जिनको भी ग्रुप ज्वाइन करना है प्लीज ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इंग्रेडिएंट्स ऑफ पिकल आशु कहाँ पे तूने डाला है? ना उसके अंदर डाला ना, जो वीडियो इसके ऊपर ही डाला हुआ है। कमी गैस है प्रगति ताई, मला तुमच्याशी एकदा बोलायचंच आहे, तुमचा मेसेज आणि स्क्रीनशॉट मी वाचलेला आहे, जो लाइव हुआ था ना मनीषा जी, वहीं पे है मसाला, ए इसके पिकल के इंग्रेडिएंट्स, ये देखिए बहुत मस्त है, वो एकदम अच्छा है, दो दिन में तो काफी हो गया, अच्छा हो गया, ठीक है। उसको कोई तकलीफ नहीं है, कुछ नहीं है बेचारे को। खुशबू भी बहुत अच्छी है। इस क्वेश्चन के साथ कल मिलती हूँ, बाय बाय डियरीज। थैंक यू उषा जी, थैंक यू एवरीवन, मनीषा जी थैंक यू, भाविका जी कर दो प्लीज।